वैदिक सभ्यता, सैदव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यता ऐसा माना गया है कि आर्यों ने ही सैदव सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी थी, लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना ही माना जाता है। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है, जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक शब्द यानी वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, जबकि उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद है उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी, अतः इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्य स्रोत है। सिंधु सभ्यता की विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशु चारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण का कार्य थी। 1400 ईसा पूर्व के बोगजकुई यानी एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग हैं, जबकि मैक्स मुलर कहते हैं आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं आर्यों का मूल निवास स्थल उत्तरी ध्रुव था, जबकि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं आर्यों का मूल निवास सप्त सैदव प्रदेश था, जबकि दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत उनका मूल निवास था। नेहरिंग एवं प्रो गार्डन चाइल्ड कहते हैं दक्षिण रूस आर्यों का मूल निवास स्थल था। गंगानाथ झा ब्रहारसी देश कहते हैं। गायल्ड महोदय हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी की मानते हैं। प्रोफेसर पेंका मानते हैं जर्मनी के मैदानी भागों में आर्यों का मूल निवास स्थल था। अधिकांश विद्वानों में से मैक्स मुलर के विचारों से सहमत है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। भौगोलिक विस्तार आर्य
आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैदब क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है सात नदियों का क्षेत्र। ये नदियां सिंधु, सरस्वती, सतुद्र यानी सतलुज, बिपाशा यानी ब्यास, प्रूषणे यानी रावी, वितस्ता यानी झेलम और अस्किनी यानी चिनाब। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलुज से यमुना तक का क्षेत्र बिरहावर्त कहलाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टद्युति को नदियों के बीच के प्रदेश को बिरहावर्त कहा गया। इसे ऋग्वेदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्र पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे महर्षि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा गया। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है, ऋग्वेद की नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवित्मा, मातेत्मा एवं नदीत्मा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एकमात्र, जबकि यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है।